देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी व्यापक राजनीतिक पहुंच बनाने के बाद भाजपा अब गठबंधन को लेकर नई रणनीति पर काम करेगी। जिन राज्यों में पार्टी तेजी से बढ़ रही है, वहां बड़े क्षेत्रीय दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन को वरीयता देगी, ताकि उसका अपना विस्तार प्रभावित न हो। साथ ही गठबंधन में सहयोगी दल की राजनीतिक ताकत की बजाय सामाजिक समीकरण को ज्यादा ध्यान में रखेगी। बीते कुछ सालों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से उसके सबसे पुराने साथियों के अलग होने से पार्टी में गठबंधन को लेकर नई सोच बन रही है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता में आने के बाद भाजपा की व्यापक राष्ट्रीय पहुंच बनी है। दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश के अधिकांश हिस्सों में वह सत्ता में भागीदार बन रही है। ऐसे में भाजपा अपनी समता को विस्तार देने में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के दबाव से बचना चाहती है। मजबूत क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में पार्टी को उन राज्यों में अपने विस्तार में दिक्कत आती है। बाद में उन दलों के दबाव में छोटे भाई की भूमिका में काम करने से भी उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। ऐसे में पार्टी के एक प्रमुख नेता का कहना है कि चूंकि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, हाल ही के सालों में पार्टी ने महसूस किया है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन से उसे ज्यादा लाभ मिला है। यह गठबंधन विभिन्न राज्यों में सामाजिक समीकरण को प्रभावित करते हैं, जिससे कि ज्यादा लाभ होता है। दूसरी तरफ बड़े दलों के साथ गठबंधन में पार्टी को न सिर्फ अपना बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ता है, बल्कि उसके साथ काम करने में खुद को पीछे रखना पड़ता है। इससे पार्टी न तो अपने एजेंडों को पूरी तरह से लागू कर पाती है और न ही जनता से किए वादों को। पार्टी का एक सोच यह भी है कि मौजूदा समय में गठबंधन राजनीति 90 व 2000 के दशक की तरह ज्यादा प्रभावी नहीं रही है। ऐसे में पार्टी को अब राजनीतिक रणनीति भी बदलनी होगी। अलग अलग राज्यों में वहां के दलों के साथ तालमेल को ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। इसमें वहां के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।